हाय एवरीवन, आप सभी को एक फिर से नई वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आप लोग भी एंड्रॉइड के कोई भी फोन को यूज करते हैं और आप लोगों को फोन में ऐप लॉक को लगाने के लिए नहीं आता है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सामने एंड्रॉइड के कोई भी फोन को यूज करते हैं, चाहे ओप्पो हो जाए, चाहे वीवो हो जाए, चाहे रियलमी हो जाए, चाहे रेडमी हो जाए, चाहे वन प्लस हो जाए, ठीक है। यानी कि एंड्रॉइड के कोई भी फोन आप लोगों को पास में है और उसमें आप लोग ऐप लॉक को यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को सामने एक बेहतरीन क्वालिटी के ऐप लॉक को कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को सामने स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहां पर सर्च करना है, ठीक है। ये जो आप लोगों को बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है। सर्च आप लोगों को क्या चीज करना है, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है ऐप लॉक, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऐप लॉक, ठीक है। कुछ इस तरीका से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ऐप लॉक लिखने के बाद आप लोगों को सामने कुछ इस तरीका के सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लिक कहां पर करना है, सबसे पहले ऑप्शन जो दिख रहा है, सबसे पहले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अपने स्क्रीन के लॉक को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं अपने स्क्रीन के लॉक को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीन की लॉक को फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीका के इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जहां पर आप लोगों को ऐप लॉक लिखा हुआ है, यहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेटिंग पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग ऐप लॉक में कौन सी पासवर्ड को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सी पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज आप लोग पिन लगाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन वाले ऑप्शन पर टाइप करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग पटेरन लगाना चाहते हैं तो पटेरन भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग 4 से 16 डिजिट की कोड लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग 4 डिजिट का कोड लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर से अल्फा म्यूजिक भी लगाना चाहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप लोग पटेरन लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो भी ऐप लॉक के लिए पटेरन पिन लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लोगों को लगा देना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ इस तरीका से पिन लगा देता हूँ, ठीक है। पिन लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों को अपने नेम को फिल कर देना है, ठीक है। तो चलिए, मैं अपने नेम को फिल कर देता हूँ, ठीक है। नेम को फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। चेक मार्क कर देना है, ठीक है। चेक मार्क जैसे आप लोग करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ऐप लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को आगे क्या करना है कि आप लोगों को फिर से सेटिंग में आ जाना है और थोड़ा सा आप लोगों को नीचे करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ऐप का ऑप्शन कुछ इस तरीका से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐप से लॉक पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे में ऐप लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप लोगों को ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने स्क्रीन का पिन को फिल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, मैं अपने स्क्रीन के पिन को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीन के पिन को फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीका के इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आप लोगों को ऐप लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इसे आप लोगों को इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जितने भी एप्स आप लोगों को मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ रहेगा कुछ इस तरीका से शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से जो भी लॉक आप लोग एप्स में लगाना चाहते हैं उसे कुछ इस तरीका से इनेबल करते जाना, ठीक है। मान लीजिए कि मैं अमेजोन में लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैं इसे इनेबल कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रोम में लॉक लगाना चाहता हूँ तो क्रोम को इनेबल कर दिया हूँ। उसके बाद फेसबुक में लॉक लगाना चाहता हूँ तो मैं फेसबुक को इनेबल कर दिया हूँ। उसके बाद मान लीजिए कि मैं जीमेल में लॉक लगाना चाहता हूँ, मैं जीमेल को इनेबल कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से आप लोग ऐप लॉक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आप लोगों को सेटिंग में ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल में पहले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है।
प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों को यहां पर सर्च करना है ऐप लॉक, ठीक है। ऐप लॉक लिख करके जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इस एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इस एप्स की सहायता से आप लोग अपने मोबाइल में किसी भी एप्स को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि हम लोग किसी भी एंड्रॉइड फोन में ऐप लॉक को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरीका के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।